ये रियासत आपकी है, इसका हक आपको है, आप इसके मालिक है, ये समझिएगा। जब 96 में आया था तो मैंने पहला काम यह किया था कि आपकी नुमाइंदगी हो, आप भी एक इसहाक रखते हैं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपके मंत्रियों को देखा जाए। हमने सरदार हरबंस सिंह जी को मंत्री बनाया, जबकि वो इलेक्शन में हार गए और दूसरी दफा 28,000 वोट लेकर उन्होंने सरदार को आखिरी मिनट पर खड़ा किया, उसके खिलाफ सरदार को ही सरदार के खिलाफ किया और वो हार गए, तभी मैंने उन्हें फिर से मंत्री बनाया। इसलिए मैं जो आपके दुख दर्द देख सकते, आपके दुख दर्द समझ सकते, आपकी मुश्किल को कम कर सकते, यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना था, मैंने मरकज के मिनिस्टर से उसके दफ्तर में लड़ाई की, मैंने कहा क्या इनको सिर्फ ड्राइवर बनना है, क्लीनर बनना है, क्या ये पढ़ नहीं सकते, क्या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, इनके मुश्किल होती है जब दूसरे कॉलेज में जाते हैं, वहां इनको एडमिशन नहीं मिलती, इनकी बच्चियां और बच्चे रह जाते हैं। तो आपका 75 सीट के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मैं चाहता था कि आपका मेडिकल कॉलेज बने, मगर आज तक वो मेडिकल कॉलेज आपने नहीं बनाया। यह आपका फर्ज है, खासकर जो आपकी कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, अगर सचमुच आप अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऐसी संस्थाएं काम कीजिए जहां के आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ सके, और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक नया सेक्शन शुरू कीजिए से कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप दुनिया में फैलने वाला है, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसकी तरफ कीजिए। पंजाबी किसने शुरू की, मैंने उस वक्त जब पास किया कि मादरी जबान इनकी पंजाबी है और पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए, डोगरी जहां डोगरी बोलते हैं डोगरी करिए, आज डोगरी में मिट गए, बाहर से लोग आ रहे, आपकी जमीन नहीं जा रही, आपके कारखाने को चला रहे हैं, यहां के जितने भी हमारे यहां रेत है उसका ठेका भी बाहर वाला, सब कुछ बाहर वालों का, जैसे कि हमारी रियासत के लोग इतने बेवकूफ और बेकार हैं कि उनको ये काम नहीं आता, इसको बदलाना है। ये रियासत आपकी है, इसका हक आपको है, आप इसके मालिक है, ये समझिएगा। कोई मालिक नहीं है इस रियासत का, यहां के बाशिंदे वो जम्मू का हो कश्मीर के हो, इसके मालिक है, मगर आपको पहुंच जाते हैं, जब आपके तलवार चलती है तब आप चुप हो जाते हैं, क्यों? जब तक आप खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, कोई आपका हक पूरा नहीं करेगा। वो पैदा करिए आपने नहीं, वो खुद नहीं पैदा कीजिए, वो सशक्ति पैदा कीजिए, तब आपके मामले हल होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पंजाबी पढ़ानी चाहिए और पंजाबी उस्ताद जो है लगानी चाहिए जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, ये जरूरी है। जहां कश्मीरी है कश्मीरी पढ़ानी चाहिए, जहां भोजी है वहां भोजी पढ़ाई, जहां दूसरी जबानें हमारे यहां शीनू है गुरेज वगैरह वहां वो शीनू पढ़ाई, हम क्यों इन जबानों को छोड़ दें जो हमारी पुश्तों की जबान है, ये हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस महफिल में गुरु ग्रंथ साहब के सामने कि एक दिन अभी जल्दी आएगा जब आपका नुमाइंदा भी होगा, न सिर्फ हुकूमत में बल्कि असेंबली में भी आपका नुमाइंदा आएगा। हम अपने तरफ से सब कुछ कोशिश करेंगे, मरकज को जल्द से जल्द यहां पर स्टेटहुड वापस करना चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड से हमारे मामला हल हो सकते हैं। आप ये पवित्र दिन पे गुरु नानक जी के दिन पे मांगिए, उस शक्ति से मांगिए कि हमारी हालत ठीक कर, हमारी मुश्किलें कम कर, और अफसरशाही से जिन्होंने हमें निजात दी है उस अफसरशाही से हमें निजात दिया। अफसर सुनता नहीं था, आप सेक्रेटरेट जाए तो वहां कोई था ही नहीं सुनने वाला, आज आप देखे सेक्रेटरेट में सुबह शाम इन मंत्रियों को 6 मंत्रियों को, वो घर में हो बाहर हो अफसर दफ्तर में हो, लोगों को एक उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पर काम करेंगे, और जो सही है वही करेंगे। मैंने आपकी स्मार्ट सिटी देखी, रोना आया मुझे, मैं हंडू साहब के घर खाना खाने गया था दिवाली से पहले, और जब उस रास्ते से गुजरा उस वक्त दिवाली की बिजलियां थी, रोशनियां थी दुकानों में, जब वहां से 11 बजे वापस आया इतना अंधेरा था कि मैं हैरान हुआ,
मैंने कहा खुदा का शुक्र कीजिए इस अंधेरे में भी हमारी बहन मेरी माँ चल सकती है, कोई उसके हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी शान है जो आपने हर वक्त जिंदा रखा है, इंसानियत जिंदा रखी है। यही गुरु नानक जी हमसे कहा कि पहले इंसान बनो, जिस दिन इंसान बनोगे उसी दिन तुम उसको पालोगे। हम इंसानियत से बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह भगवान भाई गुरु से बहुत दूर हो गए। हमें वो चीज आ गई है जो सब कुछ भूल गए, मोबाइल आ गया। आपने कभी देखा आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं। इसीलिए सारी दुनिया में जो तबाही है वो क्योंकि हम उसका रास्ता भूल गए, और जब तक हम उसके रास्ते में वापस नहीं आएंगे हम कभी आगे नहीं चलेंगे। आज झूठ परे धोखा बेईमानी, एक दिन शादी हो जाती है दो दिन के बाद दुल्हन को वापस भेज देते। बल्कि हमारे वक्त में कहा जाता था कि जब शादी होगी बेटी अब तेरी अर्थी वहां से आएगी। कहा गया मुझे वहां कोई पता नहीं, क्योंकि हम इस किताब से दूर हो गए, हम अपने कुरान से दूर हो गए। हाँ, रखा हुआ घर में कहीं पढ़ते नहीं, नमाज है अजान होगी नाम नहीं पढ़ते। फिर कहते हैं अल्लाह हमें मदद करेगा, कैसे करेगा? जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे और दिल से याद नहीं करेंगे, यहां से नहीं दिल में उसका वो पैदा करो। वो बार बार कहता है हमारे कुरान में, ऐसा मुझसे करो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, न बैठ में मेरे पास होगा। इससे आपसे कहता हूं पहले हम अपने आप को बैठा नहीं। मैंने एक बात सबसे बड़ी देखी है इस कौम में, मैंने भिखारी देखे, मुसलमान हिंदू देखे, मैंने ईसाई देखे, मैंने दुनिया में कहीं भी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखे। ये सबसे बड़ी चीज है इस कौम की, सबसे बड़ी चीज। गुरुद्वारा बनाओगे पहले अपनी जमीन को खरीदो, फिर अपने हाथों से उसको बनाओगे। अभी जब हरिमंदर साहब को आपने सबक दिया सबने हाथ मिला,